ज़्यादा जोर की तो नहीं लगी? कहाँ से निकला है वो भाई? साहब अब इतनी तेज आता है ना, हम क्या नजर आएगा हमको? अच्छा चलो आओ यार, बेंच पे बैठो, इधर आओ, इधर देखो, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही? अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो भाई ये तस्वीरें कौन बनाएगा? तस्वीरें तो हम अभी भी बना सकते हैं साहब, आपकी बनाऊं? तुमने इतनी छोटी उम्र में फोटोग्राफी सीखी कहाँ से? अब्बा से सीखा, अब्बा सबकी फोटो बनाता था, हम उसको देखता रहता था, मगर अब अब्बा फोटो उतरवा लोगे हमारे से तो हमारी दियारी लग जाएगी, फोटो बनाऊं एकदम हीरो वाली। अच्छा तो ये बात है, हीरो वाली बनाएगा, चल बना फिर जल्दी से। हम आपकी तस्वीर यहाँ पे लगाएगा स्टाइलिश एल्बम में यहाँ पे। चलो तारो ठीक है, चलो साहेब पोज बना के ऐसे हीरो वाला पोज ऐसे एकदम, ये देखो साहेब हीरो वाला है। यार ये तो बहुत आला है। अच्छा सुन ये पैसे रख ले। नहीं साहेब नहीं, बिना काम की जुल्फी पैसे नहीं लेता। अच्छा आप तस्वीर लेने ही नहीं आएगा? नहीं नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम भी जुल्फी है? हमारा नाम जुल्फ़खान है, माँ हमको जुल्फी बुलाती है, मगर अब्बा लगता है कि अंग्रेजों वाला नाम क्यों रख दिया, मगर अम्मा को अच्छा लगता है। जो चीज अम्मा को अच्छी लगती है वो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम कौन सा गाना गुनगुनाते हुए आ रहे थे? हम तो कोई चा क्या पहचाने, हमारा नाम ज़ुल्फ़िकाने वो लदारी दिल लड़कते। जुल्फी के बच्चे कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था 7 बजे यहाँ पहुंच जाना, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ ना पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम आ रहे हो या भाई को बताऊं मैं? और सुनो मैं तुम्हारी इस बाइक पे हरगिज नहीं बैठूंगी, बस मुझे नहीं पता मेरी सारी तैयारी बेकार चली जाएगी। जुल्फी मैं तैयार होने जा रही हूँ, पहुंच जाना 7 बजे। अरे वाह, ये कलर तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है। भाभी मुझ पर कब क्या अच्छा लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन ये थैंक यू तुम अपने भाई को कहना, क्योंकि ये कलर उनकी पसंद का है। अरे हाथों में क्यों कुछ नहीं पहना, कितने खाली लग रहे हैं। भाभी मैं बिल्कुल भूल गई, अभी पहन कर आती हूँ। जुल्फी के बच्चे, भाभी जुल्फी आ गया, मैं बाद में पहनूंगी। ओके भाई। अच्छा तुम जाओ, मैं लेकर आ।
जुल्फी, तुम कौन सी ट्रैफिक में फंसे हुए थे? देदी तुम्हें भी हैदर के बिना चैन नहीं आती, देदी उसके जो से तुम्हें गाड़ी, अल्लाह पूछेगा उससे, इतनी दूर से भी उसने मुझे नजर लगाती, सारा मेकअप खराब हो गया। लेकिन तुम्हें तो आ जाता हैदर के बगैर से। आदत डाल रही हूँ हैदर के बिना रहने की, आपको कोई एतराज है क्या? अच्छा उतरो फटाफट मेरी गाड़ी में से उतर जाओ, अगर मेरे बगैर रहना चाहती है तो मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखा। हैदर अच्छा अब नहीं दिखाऊंगी, आप भी मेरे बिना खुश रहने की आदत डाल दीजिएगा, अब चले। समझ से बाहर है वैसे ये ड्रामा, शादी का नाम लो तो शहजादी को कयामत आ जाती है, और वैसे छुप छुप कर मिलने में मजा आता है। सामने देख कर ड्राइव कर ले, मुझे जिंदा सलामत ईशा के घर पहुंचना है। शिकवा तो नहीं करोगे? किस बात का शिकवा? माँ देखने का। आपको क्या लगता है मैं आपके देखने के लिए मरी जा रही हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आऊँ? जी नहीं, वो तो जुल्फी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो इसीलिए मुझे यहाँ आना। क्या करे, बीच सड़क में ब्रेक लगा दी, एक्सीडेंट हो जाता अभी, कुछ होश है आपको? तुम इस गेटअप में मेरे सामने आओगी तो मुझे होश कहाँ रहेगा? चार घंटे लगाए हैं तुमने ब्यूटी पार्लर में और कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी भाभी से ही कोई ब्यूटी टिप्स ले लिया करो यार। क्या मैं वाकई अच्छी नहीं लग रही? हैदर, ईशा का घर तो इस तरफ है, आप रास्ता भूल गए? हैदर गाड़ी मोड़े प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं भी तो बहुत लेट हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। देखो ईशा की शादी तुम्हारे बगैर हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी। ये सेमेस्टर वो सेमेस्टर हर दफा कोई ना कोई नया बहाना तैयार है, पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता है कि तुम उसे शादी करना ही नहीं चाहती, बस ऐसे ही ना मेरा टाइम वेस्ट कर रही। हर वो बात जो मुझे दुख दे सोच लेते हैं और कह भी देते हैं। मैं ये ईशा की मंगनी से वापस आकर भी तो कह सकती हूँ, आप अभी तो मुझे वहां ड्रॉप करें प्लीज। कैसे ड्रॉप करता हूँ, तुम इतनी मुश्किल से मेरे हाथ आई हो, ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत भी लग रही हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से नजर करके देखे। हैदर ट्रस्ट मी, मुझे वहां कोई नहीं देखेगा, ईशा की फैमिली में तो वैसे ही सब बहुत क्यूट है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या ईशा? हैदर ईशा और आपका क्या मुकाबला, ईशा मेरी दोस्त है और आप? मैं आगे सिग्नल से वापस टर्न ले लेता हूँ। बहुत बुरे आप। ये हर वक्त आप जेम्स बॉन्ड की भाभी क्यों बनी रहती हैं? मेरी भाभी हैं, मेरी तरह क्यूट और मासूम नहीं हो सकती? हुरैन को ईशा के घर छोड़ा या फिर कहीं रास्ते में उतार दिया? अगर आपको मेरे से अच्छे की उम्मीद ही नहीं है तो फिर आप मुझसे सवाल ही ना पूछा करें। जुल्फी ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का, हर वक्त की बेतकल्लुफी में अदब आदाब सब भूलते जा रहे हो। हुरैन को किसने ड्रॉप किया है? भाई एक्चुअली मैं कहीं पे बिजी था तो मैंने हैदर से रिक्वेस्ट कर दी, दैट्स इट। अभी हुरैन हैदर की जिम्मेदारी नहीं है, अगर उसका जाना इतना ही जरूरी था तो तुम्हारा इंतजार कर लेती या फिर मेरा। जी भाई। वैसे हैदर हमारे लिए अब कोई गैर तो है नहीं, बस वो रिश्ता तय होने के बाद थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए ना तो लोगों को ख्वामखा बातें बनाने का मौका मिल जाता है। वैसे भी रिश्ता तय होने के बाद लड़की की शरारतें भी बदतमीजी लगने लगती हैं, क्यों अम्मी जान, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ तंजीला तुम ठीक कह रही हो,
कपूर को ये सब बातें समझाया करो ना। लापरवाही उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है। अम्मी जान, लापरवाह कौन नहीं होता, मैं भी थी शादी से पहले, पर शादी के बाद परवाही कौन करता है कहीं। इसीलिए खुद ही अकल आ जाती है। वैसे हैदर हमारी हुरैन के मुकाबले में काफी मेच्योर है, दोनों खुश रहेंगे। मैं तो कहती हूँ अम्मी जान कि 2 साल तक इस रिश्ते को लटकाने की क्या जरूरत है। हैदर को तो हम घर से आने से रोक नहीं सकते और हुरैन तो बाहर आएगी नहीं, और यहीं तो रिश्ते खराब होते हैं। जी नहीं, मेरा ख्याल है रिश्ते यहाँ बिल्कुल खराब नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का टाइम जो मिल जाता है, जैसे भाभी आपको और वाजिद भाई को मिला। माशाल्लाह कितनी कमाल केमिस्ट्री है आपकी। जुल्फी बिना वजह के एक्सक्यूजेस मत दिया करो, कमाल केमिस्ट्री छुप छुप कर मिलने से नहीं बनती, साथ रहते हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती है। भाई अभी तो उसका MBA भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 ही साल रह गया, और अगर उन्हें इतनी ही जल्दी है तो प्लीज़ आप उन्हें कहें कि वो पहले फरा की शादी करा दें। ये सब वो शादी के बाद भी कर लेगी, मैं खुद हैदर से बात करूँगा। आई थिंक हमें हुरैन के सेमेस्टर के बाद शादी की तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए, इससे दोनों घरों को तैयारी का टाइम मिल जाएगा। जी भाई, जैसा आप ठीक समझो। थैंक यू। पता है कभी कभी ऊपर वाला हमें वो सब करके दिखा रहा होता है जिसे हम भाग रहे होते हैं। देखो तुम शादी से भाग रही थी और हमें यहाँ लकी कपल का टाइटल भी मिल गया। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते, तुम उसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? हैदर, आप इतने गलत अंदाजे कैसे लगा लेते हैं? मैंने आपकी खातिर ईशा की मंगनी छोड़ दी और आप कह रहे मैं आपसे दूर भागती हूँ। कभी खुश नहीं होते, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह जब मुझसे पूछेगा तो मैं साफ साफ बता दूंगा ये लड़की मेरी खुशी की दुश्मन है, मुझसे दूर भागती है और मेरी किसी बात का एतबार नहीं करती। और जो इसकी रोती हुई आंखें, हाय मेरी जान निकाल देती। पर आपकी ये बातें किसी और की जान ले ले। कितनी नाशुक्री लड़की हो तुम, मेरी मोहब्बत को महसूस करना सीखो। किसी जिम्मेदारी की तरह सर पे सवार करोगी तो इसी तरह से रुलाया करूंगा तुम्हें। कैसे महसूस करूं मैं इस मोहब्बत को जो मुझे बात बात पर रुलाती है, बात बात पर शक करती है। जहां मोहब्बत को होना चाहिए वहां आपके नाराज होने का डर बैठा रहता मेरे दिल में। इसे शक नहीं, एक्स्ट्रा केयर कहते हैं पागल लड़की, समझा करो। इतना आसान होता तो फिर झगड़ा किस बात का। अच्छा चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? बेटा सर, ये पार्किंग रिजर्व है, तभी तो पार्क किए। ये लो चाबियां, ख्याल रखें।
किसका मैसेज है? जुल्फी, एक तो पता नहीं हर बात भाभी को कैसे पता चल जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में होना चाहिए उन्हें तो। अब वाजिद भाई भी मुझसे 2-4 दिन नाराज ही रहेंगे, और अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं ईशा की मंगनी में ही नहीं गई तो? तो मेरे साथ होती हो तुम्हारे साथ टेंशन, बस यही टेंशन मैं खत्म करना चाहता हूँ। क्या मतलब? आप ये रिश्ता ही खत्म करना चाहते हैं? तुम भी अजीब तरह क्यों, मैं कहता कुछ और तुम अंडरस्टैंड कुछ और करती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो। हेलो हुरैन, वाओ तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। यार प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा इतनी खूबसूरत रहोगी। मुराद ही क्या बदतमीजी है, अपनी लिमिट्स में रहो। हैदर, ये मेरा क्लास फेलो मुराद, और ये मेरे फियांसे हैदर। ओह फियांसे, हेलो। क्या हुआ भाई? मैंने तो अपने दिल की बात की थी, तुम लोग तो माइंड ही कर गए। बाय। हैदर मेरी बात तो सुने। हैदर, हैदर आप यकीन करें मैं उससे बात भी नहीं करती। वो सबसे ऐसे बात करता है। वो सबके साथ ऐसे बात कर सकता है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हैदर प्लीज, मैं अब किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना, और ना ही किसी की जुबान रोक सकती हूँ। उसके देखने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क पड़ता है ना कि कोई तुम्हें इस तरह से देखता है। इसी बात की वजह से मुझे शादी से डर लगा रहता है। सारी जिंदगी आपको एक्सप्लेन करने में गुजर जाएगी, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती। अजीब है आपकी मोहब्बत भी। मेरी मोहब्बत अजीब नहीं, तुम्हारी नेचर अजीब है। तुम किसी के साथ भी इतना पोलाइट होके पेश आती हो कि वो तुम्हें अपना दोस्त समझना शुरू हो जाता है। मैं उस मनहूस मुराद से बात भी नहीं करती, और आप समझ रहे हैं कि मैं समझ नहीं रहा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ हुरैन, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मासूम भी। देखो तुम्हारी मासूमियत किसी को भी पागल बना सकती है, इसलिए मैं डरता हूँ यार। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी इस मासूमियत का फायदा उठाए। मत किया करें आप मुझसे इस किस्म की मोहब्बत। जो रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय कर दिया बस वही काफी है हमारे लिए। पता है क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम हर गलत बात को सच साबित करने की कोशिश करती हो। वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था, कब से तंग कर रहा था कभी तुमने मुझे नहीं बताया। और हाँ, बताने की जरूरत भी क्या है? देखो हम एक दूसरे से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हम असल में तब मोहब्बत करेंगे जब वो फासला खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप मुझ पर अनकंडीशनल ट्रस्ट करें तो हमारे मसले ही खत्म हो जाए सारे। अच्छा ठीक है। वाजिद, हुरैन की शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। पता है रिश्ता होने के बाद ज़्यादा गैप आ जाए ना तो लोग एक दूसरे में खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी हैदर तो है भी कंजर्वेटिव सर। अभी तो बात हुई थी अम्मी से, तुम फिर शुरू होगी। हुरैन की शादी हो जाएगी ना फिर आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। वाजिद वैसे फाइनली मुझे आज बता दो, हम जा रहे हैं या नहीं? By the way, हम जा कहाँ रहे हैं? और इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा यार, ये एक मुश्किल फैसला है, मैं अकेले नहीं ले सकता। हुरैन की शादी करनी है, जुल्फी की अभी सिर्फ एग्जाम्स हुए हैं, उसकी जॉब हो जाए तो कुछ सोचूं। फिर अम्मी तो मेरे जाने का सुनकर ही, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे रोक देती हैं।
सोचते रहें और रुके रहेंगे। आपके घर के मसाइल तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं पापा से कह देती हूँ कि वो हमारे लिए फजूल का एफर्ट ना करें। अब तुम नाराज़ होकर बैठ जाओगी। बड़ी परवाह है ना आपको मेरी खुशी की? परवाह है यार, मुझे अंदाज़ा है तुम्हारी खुशी का। कुछ 4 साल हो गए तुम अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाई। मैं तो कह रहा हूँ जाकर मिल लो उनसे। वाजिद, मुझे अगर अकेले ही जाकर मम्मी पापा से मिलना होता ना तो मैं कब की जा चुकी होती। मैंने कह दिया मैं यहाँ पर अपनी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करने वाली। हमारा बेबी होगा तो सिर्फ कैनेडा। बहुत जिद्दी हो यार, तुम्हारी जिद पूरी ना की तो मैं तो बिनामो निशान ही रह जाऊंगा। हेलो, क्या हुआ? क्या कर रहे जुल्फी? बताओ ना क्या हुआ? जुल्फी दफा हो जाए यहाँ से। ओए होए होए, लगता है अंकल ने सड़ा दिया है ना? अच्छा तो अब मुझे बताया भी नहीं जाएगा। भाई बता दो, अगर हैदर ने कुछ कहा है ना तो फौरन उसकी क्लास ले लूंगा, और अगर ईशा की वेडिंग पे कुछ हुआ है तो वो भी बता सकती हो। दस्ती उसकी इंगेजमेंट ही तोड़वा दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। बकवास मत कर, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू आ जाता तो मुझे हैदर का एहसान लेने की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह जी, यहाँ पे तो गरज चमक के साथ लगता है बारिश भी होने वाली है। ये बताओ कि कुछ कहा है हैदर ने? कोई गलत बात तो नहीं कर दी? तू तो बिल्कुल ही अकल से पैदल है, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। स्टूपिड, जा जाकर सो जा, कोई फर्क नहीं है तेरे में और हैदर में। ओए हेलो, बहुत फर्क होता है एक घोड़े में और एक गधे में। ठीक, अच्छा मुझे बताओ कैसी लग रही थी तुम्हारी ईशा और उसका फियांसे? आई एम 100% श्योर मेरे जितना हैंडसम तो नहीं लग रहा होगा। मेरे से इनकार हुआ तभी तो वहां से उसका रिश्ता आया। खुश तो है ना वो? बस कर दो ड्रामेबाज, मैं उसकी मंगनी में जाती उसे जरूर पूछती कि वो खुश है या तेरी तरह खुशफहमी का शिकार। क्या मतलब? मतलब कि तुम ईशा की शादी में ही नहीं? तू क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया तू? बताती हूँ, सब्र करो। लेकिन खुदा के वास्ते जुल्फी, हर बात भाभी को बताने वाली नहीं होती है, कुछ तो राज रख लिया करो उस मोटे ढोल के अंदर। ओए हेलो, किस्मत से मिलता है ऐसा भाई। अगर मैं ऊपर निकल गया ना तो याद करती रहोगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या है वो राज की बात जो भाभी को नहीं बतानी? इधर आ, तुझे बताती हूँ मैं। यार छोड़ो, इधर आजा। बताओ। हमारे कमरे में धुआं इतना भरा हुआ होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम आप मत आया करें ना प्लीज, टिपिकल मिडिल क्लास वाली सोच है आपकी। बस तुम 4-4 दिन घर से बाहर गायब रहोगे तो मैं तुम्हारे कमरे में पता करने भी नहीं आऊंगी। ओहो मॉम, कंबाइंड स्टडीज के लिए गया हुआ था, इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? फिर तो पोजीशन आनी चाहिए। पोजीशन तो आपकी स्ट्रांग होने जा रही है इस घर में, मेरी पोजीशन की टेंशन मत लीजिएगा मॉम। ये घर ना तुम्हारा है ना तुम्हारे बाप का, ये तुम्हारे ताया का घर है जो तुम्हारी हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं है, और तुम्हारी यही रूटीन अगर जारी रही ना तो किसी भी वक्त वो हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। मॉम मैं ताया साहब के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकता। काश कि आपने डैड का बिजनेस संभाला होता तो ताया साहब का ये एहसान ना लेना पड़ता। तुम्हारे डैडी डिफॉल्टर थे, तुम क्यों ये बात भूल जाते हो? मॉम मुझे मत बताएं कि डैड ने क्या किया और क्या नहीं, रात इतनी फजूल बातों के लिए नहीं होती, प्लीज जाके सो जाएं। और वैसे भी
जब तक आप और मरजान इस घर में हैं, ताया साहब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम पे ही रिलाय करना। क्या नया तमाशा तुमने लगा रखा है? मॉम, इतनी मुश्किल से मेरा रिदम बना था। तुमसे कहा भी था कि ऐसी एक्टिविटीज को घर से बाहर रखा करो। मॉम, कल्चरल शो की प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम तुम्हारे ताया साहब को है। तुम जानती भी हो कि उन्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है, अगर उन्होंने सुन लिया तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। उफ मॉम, एक तो ये जो ताया साहब भी है ना, हमारे लिए मेंटल टॉर्चर है। मैं माई से शादी तो कर रही हूँ, लेकिन इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। ये आप पहले से ही उन्हें बता दें। शादी के बाद अगर मैं ये बात करूँगी तो इस बात की कोई वर्थ भी होगी। अभी तो वो शादी के टॉपिक पे आते ही नहीं है, और जब भी कभी उनसे को बात करना चाहो तो माइज और मुराद को कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है। सिर्फ मुराद, आप माइस को क्यों बीच में ले आती हैं? माइस को लेकर तुम कितनी ओवर प्रोटेक्टिव हो, इसीलिए वो तुम्हें टफ टाइम देता है। मॉम, आपको याद है फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड में ही आपने मुझे उसकी प्रोटेक्शन के पीछे लगा दिया था, और अब आप कह रही हैं मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हूँ। बहस में तो बेटा मैं तुमसे जीत ही नहीं सकती। देखो, माइज बहुत मूडी है, बहुत खामोश रहने वाला बच्चा है। उसकी खामोशी में हमारी बेहतरी थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शादी के बाद उसकी ये खामोशी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना करे। बस तुम दोनों US चले जाओ शादी होते ही, उसके बाद मुझे सुकून आ जाएगा। Oh my God, Mom, I love you. You're the best mom ever, ever. अच्छा अच्छा, बस नो बटरिंग, अभी तो तुम वॉल्यूम आहिस्ता करो, बाद में जो मर्जी आए करती रहना बेटा। बस तुम अभी माइज को तवज्जो दो। आप जो चाहती हैं वो मुझे याद हो गया है, माइज अब वही सोचता है जो मैं सोचती हूँ। आपको हमारी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लव यू। मुलाजिम हुसैन, काफ़ी दिन हो गए डैड से मुलाकात नहीं, वो आउट ऑफ टाउन है क्या? हाशिम सरकार मुल्क से बाहर गए हैं, कल तक ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, तुझे बता कर गए थे क्या? साहब जी, इस घर का नमक खाया है मेरे पिछड़ों ने भी, मालिक के मजाज को समझना हमारी घुट्टी में शामिल है। कॉलेज जा जा के फिलासफर बन गए हो? अच्छा, उस ऑफर का क्या हुआ, मुराद के पेपर साइन हुए? वो साहब जी, मैंने मुराद साहब को इनकार कर दिया है। मैं हाशिम सरकार का मुलाजिम हूँ और उन्हीं के हुक्म का पाबंद हूँ, मैं उनके साथ ऐसी चीटिंग नहीं कर सकता। देखो मुलाजिम, तेरे हाशिम सरकार बड़े बिजी बिजनेसमैन हैं, माइज की तो उनको खबर नहीं होती, वो मुराद और मुलाजिम की खबर थोड़ी ना रखेंगे। लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं उनसे कुछ छुपा भी नहीं सकता। जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। डैड के साथ वफादारी में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है, और मुराद के साथ वफादारी में तुम्हें
राइट मिस्टर सुभान, पोजीशन को गिव अप करना बहुत आसान होता है और मैं मैनेज करने पे और मेंटेन करने पे बिलीव करता हूँ। इस साल आपकी कंपनी ने जो बिजनेस किया है इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये तो मार्केट रेशो इंक्रीज कर रहा था बस। अब ऐसी कंपनी से हम कैसे डील कर सकते हैं जिसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है वो भी अपने नहीं। सर इस तरह एशियन बिजनेस कम्युनिटी में आप अपनी पोजीशन खो बैठेंगे। एशियन कम्युनिटी में हमारी पोजीशन हमेशा बरकरार रहेगी, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी डील उसका क्या होगा? वो अब नहीं होगी, सॉरी कभी नहीं। नेवर। आई थिंक वी शुड मूव नाउ, पहले ही हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच। बात से तो मुझे फर्क पड़ता है, बाकी सबको तो मैं सिर्फ सुनती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ। तुम सिर्फ सुनती हो, बर्दाश्त तो मैं करता हूँ। कितने मीन हो ना, बर्दाश्त मैं करता हूँ। हमेशा फॉर ग्रांटेड देते हो मेरे प्यार को, केयर को और इस रिलेशनशिप को भी। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे मरी जा रही हूँ। लुक एट योर फेस, कितना ब्लश कर रही हो ना सच बोलते हुए। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और तुम्हें सच सुनने की आदत हो गई है। Yes, agreed. I'm luckiest man in the world because of you. तुम जो बोलते हो तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आता। खैर तुमसे ऐसी बात बहस करने का कोई फायदा भी नहीं, एंड पे मुझे ही सरेंडर करना पड़ता है हर जगह। अब देखो ना, मॉम को लगता है कि मेरी ड्रेसिंग कल के फंक्शन के लिए सूटेबल ही नहीं है। वो ले आई है मेरे लिए बड़े बड़े दुपट्टे। वो कहती हैं कि इस घर के मर्दों की साइकी और सोच कभी नहीं बदल सकती। कल कोई फंक्शन है क्या? वही डेथ एनिवर्सरी का सीजन। तो पता नहीं मॉम और ताया साहब को सोशलाइजिंग का इतना शौक क्यों है। आई एम सो सिक ऑफ इट। पता नहीं हम ये इवेंट करते भी क्यों हैं। जो लोग आए होते हैं उन्हें भी नहीं पता कि वो किस लिए आए हैं। कोई और बात करो यार, आई एम फेड अप। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ लेट्स स्किप इट, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। मुझे पता है तुम भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मर्जान? यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। कल बरसी है मेरी मॉम और तुम्हारे डैड की, कोई फंक्शन नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग लेट्स स्किप इट। स्किप कर दें, जिंदगी की ऐप्स पे स्किप का ऑप्शन अप्लाई नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ना किसी की माँ मरती और ना किसी का बाप। Your mood is so unpredictable. मैं ऐसा ही हूँ, शुरू से ऐसा हूँ, ये कोई नई बात तो नहीं। कुछ बातें सिर्फ यादें बन के नहीं रह जाती, वो हमारी जिंदगी का दर्द होती है जिनके साथ हमें ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है।